नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। आज भाजपा सामाजिक संवाद कार्यक्रम करेगी, जहां सभी 6 क्षेत्रों में सामाजिक संवाद कार्यक्रम का आयोजन होगा और हर वर्ग के नागरिक से संवाद करेगी भाजपा। प्रदेश कार्यालय पर अवध क्षेत्र का कार्यक्रम, जहां स्वतंत्र देव सिंह समेत क्षेत्रीय केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर शामिल रहेंगे, जबकि 9 दिसंबर को कानपुर और आगरा में संवाद कार्यक्रम होगा, जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक भी शामिल होंगे, और 10 दिसंबर को गोरखपुर में संवाद कार्यक्रम होगा। तो सभी 6 क्षेत्रों में सामाजिक संवाद कार्यक्रम करेगी भाजपा। सभी से बात करने और आगे की रणनीति बनाने की जो कोशिश है उसको करते हुए नजर आएगी भाजपा। कई बड़े नेता भी इसमें शामिल होंगे, जैसे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक इस संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगातार राजनीति चरम पर है। जिस तरह से 2022 में विधानसभा चुनाव है, उसको देखते हुए लगातार जनता के बीच में जाना, सामाजिक कार्यक्रम करना और सामाजिक संवाद कार्यक्रमों का आयोजन करना, रैली करना, जिस तरीके के सभी कार्यक्रम हो रहे हैं, ये बता रहे हैं कि इस वक्त चुनावी माहौल है और हर वर्ग को खुश करने की साधने की कोशिश में सभी पार्टियां हैं। वहीं बीजेपी भी इसमें सबसे आगे है। 6 क्षेत्रों में सामाजिक संवाद कार्यक्रम का आयोजन होगा और हर वर्ग के लिए नागरिकों से संवाद करा जाएगा। हर वर्ग के लोगों से उनकी तकलीफें जानी जाएंगी और उनको आश्वासन दिया जाएगा कि उनकी इन परेशानियों को दूर भी किया जाएगा। तो तमाम तरीके के कार्यक्रम हैं जिसकी रणनीति बनाई जा चुकी है और उसका क्रियान्वयन शुरू हो चुका है। प्रदेश कार्यालय पर अवध क्षेत्र का कार्यक्रम होगा, जहाँ पे स्वतंत्र देव सिंह और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर समेत कई नेता शामिल होंगे। 9 दिसंबर को कानपुर और आगरा में संवाद कार्यक्रम होगा, जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक भी शामिल होंगे। और इस खबर पर हमारे साथ बातचीत के लिए संवाददाता गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, जिस तरह से संवाद कार्यक्रम आयोजित कर रही है बीजेपी, इसका क्या असर पड़ेगा आने वाले चुनाव पर? इस तरह से लगातार 2014 से लेकर 2019 की जो पटकथा थी बीजेपी की, वो इन्हीं सामाजिक सम्मेलनों पर आधारित थी। उसका इनको लाभ भी मिला। 2014 के बाद 2019 में भी सरकार बनाई गई, जो कि केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी। इसके अलावा लगातार देखा जा रहा था कि उसी पटकथा पर चलते हुए बीजेपी सामाजिक सम्मेलन कराएगी, और 2017 में भी सामाजिक सम्मेलन कराए गए। इसी पटकथा पर चलते हुए बीजेपी द्वारा अब भी 2022 चुनाव को देखते हुए सामाजिक सम्मेलन कराए जा रहे हैं। देखिए, पहले बता दूँ, पहले सामाजिक सम्मेलन हुए, उसके बाद प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन हुए, उसके बाद रैलियाँ हुई, जनसभाएँ हुई, उसके साथ ही साथ बूथ अध्यक्ष सम्मेलन जो पिछले हफ्ते किए जा रहे थे। इसके बाद अभी बीजेपी की जो आगामी कार्यक्रम है, उसके तहत बीजेपी 6 क्षेत्रों में एक विशाल रैली भी निकालेगी। जो आपके उत्तर प्रदेश से जो सभी 6 क्षेत्र हैं, वहाँ पर रैलियाँ निकलेगी और वहाँ पर जनता से संवाद स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा बीजेपी की जो आज के कार्यक्रम के हिसाब से उन्होंने नई योजना बनाई है कि इन रैलियों के अलावा भी जो अनुसूचित वर्ग हैं या दलित वर्ग हैं, विशेष वर्ग हैं, जिनके प्रतिनिधियों को, जिनके राजनेताओं को, जितने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को और इसके अलावा जो वर्ग के विशेष जो लोग हैं, उनको आमंत्रित करना है, उनसे संवाद करना है, जिससे कि एक उस वर्ग में जो एक अगर नाराजगी है, वो अगर उसको नाराजगी दूर करके उसको अपने पाले में करने का प्रयास किया जाएगा, जिसके तहत ये सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। मैं आपको बता दूं जी कि सम्मेलन के चलते लगभग लगभग 5 दिन सम्मेलन चलेंगे, 8, 9, 10, 11, 12, 5 दिन का सम्मेलन रहेगा, जिसमें आज जो कार्यक्रम है वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में रहेगा, जहाँ पर स्वतंत्र देव सिंह और केंद्रीय शहरी आवास कार्य मंत्री, राज्य मंत्री कौशल किशोर यहाँ पर मौजूद रहेंगे, जो कि लखनऊ से सांसद भी हैं, इसके जो कि मोहनलालगंज से सांसद भी हैं। इसके अलावा 9 तारीख को जो कार्यक्रम है, वहाँ 2 जगह कार्यक्रम रहेंगे, जहाँ पर एक कार्यक्रम आगरा में होगा, एक कानपुर में होगा, जहाँ पर कि आपके कानपुर में स्वतंत्र आपका ब्रिजेश पाठक रहेंगे और आगरा में केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में कार्यक्रम किया जाएगा। इसके अलावा जो कार्यक्रम आपका गोरखपुर में रहेगा, इसके बाद कार्यक्रम वाराणसी में गएगा और आखिरी में कार्यक्रम मेरठ में रहेगा। कुल मिला के 5 दिनों में 6 क्षेत्रों में विशेष कार्यक्रम होने हैं और व्यक्ति विशेष, वर्ग विशेष के लोगों को यहाँ पर साथ देने का प्रयास किया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गौरव जुड़े थे।
तो उत्तर प्रदेश कार्यक्रम कार्यालय पर इसका आयोजन किया जाएगा। लखनऊ में भाजपा सामाजिक संवाद का कार्यक्रम आयोजित कर रही है। छह क्षेत्रों में भी सामाजिक संवाद कार्यक्रम होगा, यानी कि यूपी में अलग अलग क्षेत्रों में भी इसकी तैयारी की जा रही है, जहाँ पे बड़े नेता जाएंगे, जनता से संवाद करेंगे। और सिर्फ जनता से नहीं, खासतौर से हर वर्ग पर ध्यान दिया जा रहा है। हर वर्ग से जाना जाएगा कि उनकी समस्याएं क्या है और उनका समाधान कैसे किया जा सकता है। और जिस तरह से राजनीति देखी जाती है उत्तर प्रदेश की, वो हर वर्ग को साधती है, हर जाति धर्म को साधती है। विकास का मुद्दा तो रहता ही है, लेकिन जिस तरह से वर्ग जाति धर्म पर आधारित रहती है उत्तर प्रदेश राजनीति, उसी को देखते हुए अब बीजेपी ने भी ये रणनीति अपनाई है, जहां हर वर्ग से संवाद किया जाएगा और उनकी तकलीफों को जाना जाएगा। हर क्षेत्र में इस तरह के संवाद कार्यक्रम होंगे, जहाँ पहले छह क्षेत्रों में सामाजिक संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज प्रदेश कार्यालय पर अवध क्षेत्र का कार्यक्रम होगा, लखनऊ में भाजपा सामाजिक संवाद कार्यक्रम होना है। तो सभी छह क्षेत्रों में सामाजिक संवाद कार्यक्रम होगा। आपको बता दें कि कानपुर, आगरा में भी संवाद कार्यक्रम होगा। प्रदेश कार्यालय पर अवध क्षेत्र का जो कार्यक्रम है, वहां स्वतंत्र देव सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे, जिसमें कौशल किशोर भी शामिल होंगे। और 9 दिसंबर को कानपुर और आगरा में भी संवाद कार्यक्रम होगा, जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी शामिल होंगे। तो पूरी रणनीति तय कर ली गई है। 10 दिसंबर को गोरखपुर में संवाद कार्यक्रम होगा, अलग अलग जिलों में ये संवाद कार्यक्रम किया जाएगा और इसमें कई नेता शामिल होंगे। किस दिन और कहां कौन से नेता की मौजूदगी होगी और किस वर्ग के साथ संवाद किया जाएगा, ये सब कुछ तय हो चुका है और सिलसिलेवार तरीके से ये सब आयोजित किया जाएगा। और अब दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जो भारतीय किसान यूनियन की अहम बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से, इस वक्त की बड़ी खबर, संयुक्त किसान मोर्चा की होगी अहम बैठक। केंद्र के प्रस्ताव पर एसकेएम की होगी बैठक। किसान मोर्चा ने केंद्र के प्रस्ताव पर बैठक होगी, सरकार की शर्तों पर जवाब मांगा गया है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, संयुक्त किसान मोर्चा की होगी बैठक। केंद्र के प्रस्ताव पर एसकेएम की होगी बैठक। किसान मोर्चा ने केंद्र के प्रस्ताव का जवाब दिया है, सरकार की शर्त पर भी किसान मोर्चा ने मांगा जवाब। केंद्र के प्रस्ताव पर भी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी। किसान मोर्चा ने केंद्र के प्रस्ताव का जवाब दिया है, साथ ही सरकार की शर्त पर भी किसान मोर्चा ने मांगा है जवाब। मथुरा दौरे पर जाएंगे सीएम योगी, कई योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे योगी। मथुरा की मांट विधानसभा से होगा कार्यक्रम। ब्रिज आदर्श इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम, मथुरा दौरे पर जाएंगे सीएम योगी। कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे सीएम योगी, मथुरा की मांट विधानसभा में होगा कार्यक्रम। आदर्श इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी, मथुरा दौरे पर जाएंगे सीएम योगी। बड़ी खबर सामने आ रही है, कई योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे सीएम, मथुरा की मांड विधानसभा में होगा कार्यक्रम। बिजनौर दौरे पर जाएंगे उप मुख्यमंत्री, नूरपुर विधानसभा में संबोधित करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। कई परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे डिप्टी सीएम, बिजनौर दौरे पर जाएंगे उप मुख्यमंत्री, नूरपुर विधानसभा में संबोधित करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे डिप्टी सीएम। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।